अनुपमा का एक और जिम्मेदारी उठाना खड़ा करेगा बड़ा बवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का दिल बहुत ही बड़ा है जिसमें सारी दुनिया समा सकती है, इसलिए वो किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती है और अपने आप को आगे करती है ताकि मैं इसके आंसू पहुंच सकूं। और ऐसा ही कुछ हमने आज की कड़ी में देखा। वो छोटी बच्ची जो अनुपमा के पास डांस सीखने आती है वो रो रही है और उसकी रोने की वजह भी हमने सुनी, मगर आगे क्या होगा चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, अनुपमा जो बच्ची के आंसू पहुंच रही है और बच्ची रो रो के बता रही है कि वो डांस क्लास में क्यों नहीं आ पाई, तो उसके पापा जो सब्जी बेचते हैं वो बीमार हैं। तो दोस्तों, अनुपमा अब इस बच्ची की जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि ये बच्ची एक नए ट्रैक के साथ आई है, एक नई सोच के साथ आई है। इसकी पढ़ाई की, इसकी परवरिश की जिम्मेदारी अनुपमा लेगी। पहले भी जब भी अनुपमा ने किसी की मदद की है, चाहे वो डिम्पी हो, चाहे वो छोटी अनु हो, चाहे अब ये बच्ची हो, तब भवाल खड़ा हुआ ही हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अनुपमा इस बच्ची को इतना स्टैंड करेगी कि ये बच्ची बनेगी एग्जाम्पल सबके लिए कि अगर कोई छोटे तबके से आता है, अगर कोई हार्ड वर्किंग सब्जी वाले की बेटी होती है तो वो भी बड़ी बन सकती है अपनी मेहनत से, अपने गुरु की, यानी कि अनुपमा को तो वो गुरु ही मानती है, अपने गुरु की एडवाइस से। और ये भी साबित करेगी कि अनुपमा सबके लिए अवेलेबल थी, सबको वो जो बोलती थी लोग पांच पन्ने का भाषण कह के उसको भूल जाते थे, मगर अनुपमा ने जो भी किया है उसको करके भी दिखाया है। सिर्फ प्रीच ही नहीं किया है, उसने अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया है सबके बीच में। और वैसा ही ये बच्ची भी करने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस बच्ची का आना अपने आप में ही एक मैसेज है। जब ऐसे बच्चे जिनका मन होता है पढ़ाई करने का, जिनका मन होता है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने का और टैलेंट भी होता है, जब उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है घर से या घर वाले इस काबिल नहीं होते, इतनी कमाई नहीं होती है, नहीं कर पाते हैं सपोर्ट, तो जब कोई और सपोर्ट करता है एक क्लियर हार्ट से, तो वो बच्चे उसका मान रखते हैं, उसकी इज्जत रखते हैं और उनका नाम रोशन करते हैं। और ये छोटी बच्ची अनुपमा का नाम रोशन करेगी दोस्तों। और ये जब ये जिम्मेदारी ली जाएगी तब इस जिम्मेदारी को लेना आसान नहीं होगा। बात तो पहले से कहती आ रही कि अनाथ आश्रम खोला हुआ है वगैरह वगैरह, मगर अनुपमा को दिख रहा है कि इस बच्ची की मदद करना जरूरी है, तो अनुपमा इस बच्ची की मदद करेगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि उसके पिता बीमार है और पिता की मौत भी हो सकती है। तो अगर ये हो जाता है तो फिर बच्ची बिल्कुल अनाथ हो जाएगी छोटी अनु की तरह। तो अनुपमा एक और छोटी अनु को घर पे लेके आ सकती है दोस्तों। देखते हैं कैसे ये चीज आगे बढ़ती है, क्योंकि ये बच्ची का वापस आना बहुत कुछ इंडिकेट करता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।